Assalamualaikum. तो आज जो हमारा पहला जो टॉपिक है वो इंस्टॉलेशन का है. हम स्टार्ट इंस्टॉलेशन से लेंगे. तो जो फाइल मैंने आपको लिंक में बताई थी कि ये यहाँ से डाउनलोड हो सकता है, तो वो ये तीनों फाइल, ये जब आप एक्सट्रैक्शन कर लें तो इस तरह आपके साथ फोल्डर में आ जाएगा. तो हमारे साथ ये तीनों जो है इसमें यूज़ होंगी. मैं स्टार्ट डेस्कटॉप से लेता हूँ. डेस्कटॉप जो है ये टाइम लेता है थोड़ा, ये लाइसेंस मैनेजर है ये जल्दी हो जाता है, या फिर लाइसेंस मैनेजर से स्टार्ट ले लेते हैं. मैं जो स्टेप्स कर रहा हूँ वो आप फॉलो करते हैं. इसमें विंडोज में जाके ये सेटअप जो है इसी को यस करें. नेक्स्ट यहाँ पे एक्सेप्ट करें. मैं वीडियो पास कर रहा हूँ, जब ये हो जाए तो मैं खोल लूँगा. ये टाइम नहीं लेता, लेकिन डेस्कटॉप जो सेटअप है वो टाइम लेता है. जैसे कि यहाँ पे अभी फिनिश आ गया है, मतलब ये हो गया है. फिनिश करके यहाँ पे अक्सर एक विंडो आ जाती है, इसे फिलहाल कैंसिल कर दे, फिर बाद में इसे खोलेंगे. मैं वो तरीका बताऊँगी कहाँ से खुलता है. अब यहाँ पे डेस्कटॉप पे क्लिक करें. यहाँ पे डायरेक्ट जो सेटअप लिखा हुआ है इसे इंस्टॉल करें. प्रोसीजर दोनों का सेम ही है, लेकिन ये टाइम थोड़ा ज़्यादा लेता है. लाइसेंस मैनेजर इतना टाइम नहीं लेता. उसी तरह नेक्स्ट करें, एग्री, नेक्स्ट, कंप्लीट, नेक्स्ट, नेक्स्ट, नेक्स्ट और इंस्टॉल करें. ये भी थोड़ा टाइम लेता है, तो मैं ये वीडियो पॉज करता हूँ. जब ये कंप्लीट हो जाए तो मैं फिर रिज्यूम कर लूँगा. ये डेस्कटॉप का फाइल हो चुका है. ये तकरीबन 8 से 10 मिनट लेगा अक्सर. ये टाइम लेता है थोड़ा, तो इसका कोई इतना इशू नहीं होता. इसको फिनिश करने के बाद यहाँ पे एक विंडो आएगी, उसे भी क्लोज करने के बाद. अब ये क्रेक का जो फोल्डर है इसमें जाके यहाँ पे ये कीजेन का जो फाइल है इसे ओपन करें. सॉरी, यहाँ से रन एज एडमिनिस्ट्रेटिव करें. यहाँ पे यस करें. यहाँ से यहाँ पे 2700 निकले. यहाँ पे 10.2.2 निकले. यहाँ से एट दबाए. यहाँ पे कोई इशू आ रहा है यहाँ पे, तो इसका इतना खैर कोई प्रॉब्लम नहीं है. ये सर्विस का जो फाइल है ये मैं आपको सेंड कर सकता हूँ. ये आप जो है इसे यूज़ कर लें. ये सर्विस फाइल खोलें. ये फाइल जब खुल जाए तो आपको इस तरह का डेटा आ जाएगा. इसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे पीसी पे जाके डेस्कटॉप में प्रॉपर्टीज पे जाना है. यहाँ पे चेंज सेटिंग्स पे क्लिक करना है. और यहाँ पे जो डेस्कटॉप का नेम है, कंप्यूटर का जो नेम है, वो कॉपी करें यहाँ से. और जो नोटपैड का फाइल है यहाँ पे जो नाम भी लिखा होगा, होस्ट या इस तरह कुछ लिखा होता है, मैं आपको ये फाइल सेंड करके
आप ये यहीं पर यूज़ करें, यहाँ डिस्टर्ब को इस तरह हटा के वो अलग अपने कंप्यूटर का नेम जो है वो यहाँ पे पेस्ट करें, इसे सेव कर लें और क्लोज करें। आपके साथ जो नोटपैड भी हो कोई इशू नहीं है। अच्छा, इसके बाद ये एक सर्विस का फाइल और कंट्रोल होल्ड करके ये आर्क जी आई एस का जो फाइल है इनको यहाँ से कॉपी करके सी में जाएँ, सी में प्रोग्राम फाइल में जाएँ, सॉरी प्रोग्राम फाइल जो नीचे वाला 86 वाला प्रोग्राम फाइल 86 में जाएँ। इसके बाद आर्क जी आई एस में जाएँ, इसमें फिर लाइसेंस में जाएँ, फिर यहाँ पे जो है ये पेस्ट करें, यहाँ पे रिप्लेस कंटिन्यू करें। ये बहुत इम्पोर्टेंट स्टेप है, इससे बड़े गौर से देखिए। यहाँ पे ट्राई अगेन आएगा, मतलब यहाँ पे ये पेस्ट नहीं होगा क्योंकि जो एडमिनिस्ट्रेटर अप्रूवल यहाँ पे नहीं है ना, तो यहाँ पे पेस्ट नहीं होगा। इसके लिए यहाँ पे राइट क्लिक करके टास्क मैनेजर में जाएं, टास्क मैनेजर में आपके साथ अगर विंडोज 7 है तो यहाँ पे ऊपर सर्विसेज लिखा होगा, सर्विसेज पे क्लिक करें। इसके बाद यहाँ पे नीचे ओपन सर्विसेज लिखा होगा, यहाँ पे क्लिक करें। ये विंडो आ जाएगी, यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ सामने जो है आरजीएस लाइसेंस मैनेजर लिखा हुआ है, ये यहाँ से स्टॉप करें। जब ये स्टॉप हो जाए तो आपको जो फाइल है वो अपने क्लोज नहीं करना, जो ट्राई अगेन का फाइल था उस पर ट्राई अगेन कर दें, ये हो जाएगा। जब ये दोनों पेस्ट हो जाए वहाँ पे तो इसे दोबारा स्टार्ट करें। ये स्टार्ट हो गया है, बस अब इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। इसके बाद यहाँ पे स्टार्ट में जाके आरजीएस एडमिनिस्ट्रेटर को सर्च करें, यहाँ पे ये आ जाएगा, इसे कॉल के यस करें। यहाँ पे डिफाइन एनालिसिस मैनेजर पे क्लिक करें, यहाँ पे जो नोट सेट लिखा हुआ है इसकी जगह पे आपने कंप्यूटर का नेम डाल दें। यहाँ से चेंज सेटिंग्स खुला है, इसे कॉपी करके फाइल बंद हो गया है तो मैं दोबारा खोल लेता हूँ। ये आप बुलाए, यहाँ पे पेस्ट करें और ओके करें। यहाँ पे अब जो डेस्कटॉप का फाइल आ जाएगा, तो यहाँ पे अगर आपके कंप्यूटर का नाम नहीं आया तो यहाँ से भी चेंज करके आप वन नेम डाल सकते हैं अपने कंप्यूटर पर। ये बहुत ज़रूरी स्टेप है, इसके अलावा ये ओपन नहीं होगा। अप्लाई करें, ओके करें। इसके बाद लोकल डिस्क सी में जाएं, वहाँ पे प्रोग्राम फाइल 86, फिर आरजीएस, आरजीएस में लाइसेंस 10.2, इसके बाद फिर बिन। यहाँ पे नीचे ये LSA एडमिन लिखा होगा, इस पर डबल क्लिक करें, यस करें। यहाँ पे स्टार्ट और स्टॉप लाइसेंस सर्विस, इस पर क्लिक करके यहाँ पे आपने सिर्फ ये री रीड लाइसेंस में क्लिक करना है।
ये स्टेप्स केयरफुली फॉलो करें, अगर इसमें कोई भी गलती हो गई तो फिर ये लाइसेंस रीड नहीं करेगा और ये फिर ओपन नहीं होगा। तो GIS जो है इंस्टॉल हो गया है और उसकी लाइसेंस भी हो गई है। ओके करें, यहाँ से आर मैप सर्च करें, अर्क मैप यहाँ से राइट क्लिक करें, ओपन फाइल लोकेशन ये यहाँ से कॉपी करें और डेस्कटॉप में यहाँ पे पेस्ट करें। यार यहाँ पे पड़ा हुआ है तो जरूरत नहीं है, ऐसा इसमें डबल क्लिक करें ताकि ओपन हो जाए, ताकि देख लें कि लाइसेंस का कोई इशू तो नहीं है। अक्सर इंस्टॉल होने के बाद भी ये इशू आता रहता है। ये ओपन हो रहे हैं, इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। ये आर्क मैप जो है ओपन हो गया है ऑलरेडी। मैंने जब मेरे सब रीसेंट फाइल्स हैं तो यहाँ पे एक रीसेंट फाइल आ गई है स्टडी एरिया की। आपके साथ रीसेंट फाइल नहीं होगी क्योंकि आप पहली बार इसे इंस्टॉल कर रही हैं। यहाँ पे माई टेबल्स पे क्लिक करें और ब्लैंक मैप पे क्लिक करें। डबल क्लिक से भी ओपन हो सकते हैं, यहाँ पे नीचे आप ओके भी कर सकते हैं। तो ये ArcGIS की जो है मेन मेन्यू है। यहाँ पे SWAT का एक एक्सटेंशन है, ये एक्सटेंशन फिर बाद में बताऊँगा कि ये कहाँ से आता है और ये कैसे डाउनलोड होता है। फिलहाल हम ArcGIS पर फोकस करेंगे जो आपका मेजर टॉपिक है। तो ये मेरे साथ हमारे साथ में GIS इंस्टॉल हो चुका है। अगर इसमें कोई इशू हो या कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बताएं ताकि फिर मैं वो डिस्कस कर लूँ, वो इशू रिजॉल्व कर लूँ। कल से जो है मैं प्रॉपर इंट्रोडक्शन पे ये सारी मेन्यू जो है वो डिस्कस करूँगा कि ये डिस्प्ले पे जितनी भी चीज़ें हैं वो हर एक चीज़ डिस्कस हो जाए, और अगर कोई इशू हुआ तो फिर रिजॉल्व कर लेंगे। अल्लाह हाफिज़।